सॉरी जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू इनके जितनी भी डिफरेंट रिचुअल्स हैं वो सारी की सारी मैं आपको दिखा रही हूँ. और अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ देर इज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि इट्स समथिंग जो कि ना आपने भी इससे पहले सुना होगा ना देखा होगा. इट्स बीइंग कॉल्ड एज शिशौ. शिशौ के जन्मदिन में भी और फेस्टिवल जब आता है तो खवातीन के लिए शिशौ मनाते हैं. ठीक है. और ये बहुत स्पेशल है कि जो बच्चा की जन्म की हुआ है उसके लिए हम ये बनाते हैं. अभी हम रवाना हैं, आप हमारे साथ फॉलो करें, हम क्या करते हैं. चले ठीक है, आप चले, मैं आपको बस फॉलो कर रही हूँ. तब तक मैं इनको थोड़ा सा बता दूँ. सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि मैटर्निटी हाउस जो कि मैं आपको पहले बता रही थी, उस मैटर्निटी हाउस से जो मदर्स होती हैं जब वो घर आती हैं तो उनको पहले शिशाऊ करते हैं. अब शिशाऊ बेसिकली एक तो ये वलनट ब्रेड बनाते हैं उसको भी कहते हैं, और उनकी जो एक रस्म सी है उसको भी कहते हैं. सो इसमें क्या होता है कि इसमें इससे पहले अगर शिशाऊ नहीं करते हैं तो उसके बाद कह लें कि घर की वो किसी भी चीज़ को टच नहीं करती हैं. सो पहले शिशाऊ की एक्टिविटी होती है एंड देन दे गो होम एंड डू द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी. सो लेट्स गो एंड आई एम गोना शो यू कि अंकल क्या करने वाले हैं. साथ साथ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मैं आपको दिखाती चलूंगी. कम लेट्स गो. इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि अंकल इस वक्त बर्तन धो रहे हैं और एक उनके पास पत्थर है उसको भी धो रहे हैं. उस पत्थर से वो क्या करेंगे, वो जो वलनट है ना उसको पीसेंगे और उसको ब्रेड में मिक्स करके बनाएंगे. एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ. आगे चल के जो अगली एक्टिविटी हो रही होगी ना वो भी आपको दिखाऊंगी. और अब मैं आपको बताती हूँ कि शिशाओ बेसिकली किया क्यों जाता है. बिशाली से वापसी पर खवातीन को पाक किया जाता है, और पाक करने से पहले खवातीन ना तो किसी फर्द को और ना ही किसी चीज को हाथ लगा सकती हैं. और खवातीन को पाक करने का इन लोगों का अपना ही एक रिवायती तरीकाकार है जिसको घर का कोई एक मर्द करता है. ये एक ऐसी मुनफरिद और अनोखी रस्म है जिसका ना तो आपने कभी पहले सुना होगा ना ही पहले कभी आपने देखा होगा. Which Discover Pakistan has exclusively shown for all of you guys. अच्छा, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं अंकल की हेल्प करूं, लेकिन ये एक्चुअली उनके रस्म का हिस्सा है कि ना तो उनकी कोई हेल्प कर सकता है और ना ही उनको कोई छू सकता है. अदरवाइज उनको ये रस्म नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है, यहाँ तक के आटा भी बाजार से दोबारा लाना पड़ता है, दोबारा से गूंदना पड़ता है, इवन के बर्तन भी दोबारा से धोने पड़ते हैं. आपने नीचे देखा कि बर्तन धोए गए, बर्तन धोने के बाद फिर वलनट को पीसा गया, उसको आटे के अंदर गूंधा गया, और अब उसकी जो है वो शिशाऊ बनाई जा रही है. शिशाऊ एक स्पेशल ब्रेड होती है जिसके क्या किया जाता है कि उसके तीन कॉर्नर्स निकाले जाते हैं और फिर उसको शिशाऊ कहते हैं. सो दैट्स हैपनिंग बिहाइंड मी राइट नाउ. अभी ये रोटी पकेगी और उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी. जी ये एग्जैक्ट वो शिशाऊ की रस्म है जो ये पीछे आप देख रहे हैं. वो बेसिकली आग जला के रोटियां हाथ में पकड़ाई जाती है, जिसके बाद आग जला के उसको यूं तीन बार किया जाता है और फिर इनकी रस्म कंप्लीट हो जाती है. उससे पहले उनके हाथ धुलवाए जाते हैं और वो डायरेक्ट हाथ भी नहीं धोती. ये उनकी सास हैं जो इस वक्त यहाँ पे खड़ी हैं, ये पहले उनके हाथ धुलवाती हैं. ये उनके ससुर हैं जो कि बेसिकली शिशाऊ की रस्म कर रहे हैं. इससे पहले जो पीछे आपने देखा बेसिकली वो उनकी सिस्टर थी जो उनके साथ विशाली में वहाँ मौजूद थी, उनका भी शिशाऊ हुआ था और इसके बाद इनका भी शिशाऊ हुआ है. देख भी सकते हैं उन्होंने अपना बच्चा भी अपने साथ रहा है. बेसिकली एक क्यूट सी इनकी बेटी है जो कि अभी ये 7 दिन की होगी, अभी ये रस्म कम्प्लीट होगी है. एंड नाउ शी इज़ गोना गो इनसाइड ऑफ द होम, और इसके बाद शी इज़ अलाउड टू टच एनीथिंग इन हर होम. अब ये खाना बना सकती हैं और भी जितने इनके घर के काम है सारे आराम से कर सकती हैं क्योंकि इनकी शिशाओं की रस्म कंप्लीट हो चुकी है.